नया IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। घाटी में मसरत आलम एक बार फिर से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाता नजर आया। आपको याद होगा कि वही मसरत आलम है जिसे मुफ्ती सरकार ने रिहा किया था पिछले महीने और जिस पर जमकर सियासत भी हुई थी। सवाल उठे थे कि आखिरकार इस कट्टरपंथी को कैसे और क्यों रिहा कर दिया गया। मसरत पर आरोप था कि उसने घाटी में पत्थरबाजी को हवा दी और इस आरोप में वो जेल में भी था। और अब जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से मसरत सक्रिय हुआ है। श्रीनगर में अलगाववादी नेता SS गिलानी की रैली थी और यहां पर मसरत भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचा था। यहां पर मसरत के समर्थकों ने पाकिस्तानी झंडे भी लहराए। यहां मसरत और उसके समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने लश्कर ए तैयबा के मुखिया और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के समर्थन में भी नारे लगाए। नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये वही मसरत आलम है जिसको लेकर जिस वक्त रिहा किया गया था पीडीपी ने तमाम तरह की दलीलें दी थी, कहा था कि PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया गया था लेकिन वो एक्सपायर हो गया इसलिए रिहा किया गया, यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा किया गया था। अब क्या जवाब है, आखिर कैसे इजाजत मिल गई मसरत आलम को इस तरीके से झंडे लहराने की और ये तमाम बातें कहने की? देखिए नवजोत, ये जो सारी चीजें हैं ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर सरकार भी देख रही है। और जो पहले मसरत आलम पे जो चार्जेस लगाए गए थे PSA में, और उस वक्त भी यही चार्जेस थे, उपद्रव और पत्थरबाजी यहाँ पे कश्मीर घाटी में उसको प्रोत्साहन देना। तो आज उन्होंने एक बार फिर वही काम कर दिया, अपने वो काम कर दिया, बल्कि एक तो प्रो पाक नारे भी लगाए, बल्कि उसके बाद जो हाफिज सईद का नाम लेके कि उनका मकसद क्या है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सब नारे जो है बहुत ही बड़ी जनसभा थी, बहुत ज्यादा लोग उसमें जमा थे ये देते हुए। और लगता यही है कि जो अगर इस पे एक्शन सरकार लेगी तो दोबारा मसरत आलम को पब्लिक सेफ्टी के अंदर के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। और ये भी बताना चाहूंगा नवजोत की जितनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी पहले से ही कश्मीर घाटी में, जो धारा 140 है वो लागू है पूरी श्रीनगर सिटी में, अगर यहाँ जो सरकारी मुलाजिम है अगर उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, अगर वो जायज मांग उनकी तनख्वाह की मांग होती है तो उनको मारा जाता है। लेकिन इतना बड़ा, इतनी बड़ी जनसभा और वो भी उसमें पाकिस्तान के हक में नारे और झंडे चढ़ाए गए, तो सरकार ने ये कैसे होने दिया कि सरकार अभी जवाब नहीं दे पा रही। बड़ा सवाल। नसीर हमारे साथ रहिए, इसमें शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। हाथों में पाकिस्तान के झंडे लिए, ये आजाद भारत के कश्मीर की तस्वीर है, हाथों में पाकिस्तान के झंडे लिए किस तरीके से नारेबाजी वहां पर हो रही है। बता दें कि दिल्ली से श्रीनगर लौटे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सईद अली शाह गिलानी के स्वागत में अलगाववादियों ने ये पाकिस्तानी झंडे फहराए हैं और जिस समय वहां पर ये झंडे फहराए जा रहे थे वहां पर मसरत आलम भी मौजूद था और उसने पाकिस्तान के समर्थन में भी नारे लगाए हैं। हालांकि इस पर अभी तक पीडीपी ने अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन, कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी ने जरूर यह पूछा है कि जिस वक्त यह नारेबाजी हो रही थी उस वक्त आप लोग कहां थे, कैसे इस तरह की इजाजत मिल गई आजाद भारत में कश्मीर में इस तरीके से पाकिस्तान के झंडे फहराना, उसके समर्थन में नारे लगाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अनुशासन तोड़ने के आरोप में पहले भी मसरत आलम को नजरबंद किया गया था। आपको बता दें कि 2010 में प्रदर्शन और पथराव की घटनाओं का मास्टरमाइंड था और 100 से ज्यादा युवक उस वक्त मारे गए थे, लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, आदेश ये दिया था और तब से मसरत आलम जेल में था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। हालांकि जिस वक्त पीडीपी की सरकार आई मसरत आलम को रिहा किया गया, दलील ये पीडीपी ने दी थी कि क्योंकि इस एक्ट के तहत 3 साल से ज्यादा किसी को अंदर नहीं रखा जा सकता है, वो एक्ट एक्सपायर हो रहा था, इसीलिए मसरत आलम को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आजाद किया गया। चलिए बता दें कि पीडीपी के प्रवक्ता का कहना है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनवाते आपको क्या कह रहे हैं। तेरा मेरा क्या
The law will take its own course. Obviously, if there is anything wrong, the government will take its own course. यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ ले कि कानून अपना काम करेगा और कानून इसको देख रहा है। नसीर हमारे समता हमारे साथ मौजूद थे और हमें साफ बता रहे थे कि इस एक्ट के तहत भी अब इसके बाद भी मसरत आलम को, क्योंकि ये वही गतिविधियां फिर से शुरू हो गई, वही हरकतें दोबारा से शुरू हो गई हैं, इसके तहत भी हो सकता है कि दोबारा कार्रवाई हो। हालांकि पीडीपी की कह रही है कि कानून के तहत कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने मसरत आलम की इस हरकत के बाद मुफ्ती मोहम्मद से सरकार से भी जवाब तलब किया है। They wave around. It happens, but that is not the majority of the Kashmiris are doing. But anyway, we have taken note of it and we have encouraged the state government to initiate action against such people. और बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता जीवेल नरसिम्हा का भी कहना है कि राज्य सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर रैली की इजाजत किसने दी। आयोजित किया गया जिसमें पाकिस्तानी फ्लैग्स और प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स रेज किए गए, ये बिल्कुल इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसको इसकी पूरी निंदा करते हैं और इस प्रकार की रैली की जानकारी क्या सरकार को थी? यदि थी तो सरकार ने इसको इस प्रकार की रैली को क्यों नहीं रोका? यदि इस प्रकार की जानकारी पहले नहीं थी कि ऐसे स्लोगन्स रेज किए जाएंगे, तो हम कम से कम आप डिमांड करते हैं कि राज्य सरकार तुरंत इसको संज्ञान में ले और बहुत जल्द इसका कार्रवाई करें। तो जीवीएल ने सीधे तौर पर कहा है कि सबसे पहले इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि आखिर रैली की इजाजत किसने दी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाजी अलमी हैं बीजेपी की तरफ से और अमृता धवन है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि हमने आज इनको बुलाया तो इसलिए था क्योंकि आम आदमी पार्टी पर हमें चर्चा करनी थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शाजिया और अमृता, ये एक बड़ी खबर आ रही है। मैं शाजिया सबसे पहले आप ही से इसका जवाब चाहूंगी। बीजेपी कह रही है कि जवाब दे, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट तो आप ही की उनके साथ है, पीडीपी के साथ, अभी तक क्लियर जवाब नहीं आया। हमने पीडीपी का एक रिएक्शन सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि लॉ विल टेक इट्स ओन एक्शन। बिल्कुल, और ये बहुत ही गंभीर बात है जो हुई है। मैं भी देख रही हूँ सारे तस्वीरों को और मुझे लगता है कि किसी भी तरह से जवाब तलब के अलावा कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ, और ये बीजेपी सरकार जो कि एक तरह के कोलिशन की सरकार भी है, लेकिन ये दो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साझी सरकार वहाँ पे बनी है, और किसी भी तरह से ना बीजेपी की सरकार जो जिसमें जम्मू से कितनी ढेर सारी सीटें, बल्कि और भी केंद्र की सरकार भी, और कोई भी इसको लेकर समर्थन दे सकता है कि जो हो रहा है वो सही है। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है और जल्द से जल्द इसकी ना सिर्फ जवाब तलब होना चाहिए इसको लेकर, मुफ्ती साहब एक्सप्लेन करें, और मुझे लगता है सख्त कार्रवाई राज्य सरकार पीडीपी सरकार के खिलाफ भी, और इस बात को लेकर जवाबदेही मसरत आलम के मुद्दे को लेकर, और जिस तरह से रैली को निकाला गया है उसके लिए पूरी की पूरी जानकारी देनी चाहिए और उसके लिए जवाब तलब करना चाहिए। शाजिया, आपको याद होगा कि जिस वक्त मसरत आलम को छोड़ा गया था उस वक्त कितनी बहस हुई थी। बीजेपी ने अपनी तरफ से क्लियरली कह दिया था, नौबत यहां तक आ गई थी कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम नहीं कर रहे हैं, यानी अब इसमें आगे कोएलिशन क्या आगे रहेगी, गठबंधन की सरकार या नहीं, उसको लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद पीडीपी ने साफ तौर पर यह कहा था कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत छोड़ा गया है। अब सवाल बड़ा ये है कि वही मसरत आलम जिसको लेकर आप लोग भी सवाल उठा रहे थे, पूरा देश सवाल उठा रहा था, अब पीडीपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और कानूनी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि 3 साल का वक्त होता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, अगर वो कार्यकाल उनकी तय सीमा खत्म अगर हो जाती है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि उनको फिर से एक नई कार्रवाई के तहत ना पकड़ा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है। और ना सिर्फ मसरत आलम जो इसमें मौजूद है, लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी तादाद में भारत के खिलाफ, भारत के ही सरजमी पर, भारत के विरोध में, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि आसानी से इस बात को
छोड़ दिया जाएगा और जवाब तलब की जरूरत नहीं है बल्कि इससे बढ़कर कार्रवाई की जरूरत है। और ये बात मैं फिर से आपसे कहती हूँ, कार्रवाई की मांग आपने पहले भी की थी लेकिन अभी हम जवाब इंतजार कर रहे हैं कि शायद पीडीपी का कोई रिएक्शन हमें मिल जाए। सिर्फ एक रिएक्शन आया पीडीपी की तरफ से जिसमें ये कहा गया है कि कानून अपना काम करेगा। अमृता, मैं आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त नजरबंद किया गया था, मुफ्ती उमर अब्दुल्ला ने नजरबंद किया था, लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर और क्योंकि वो मियाद जो थी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जिसके तहत बंद किया गया था वो खत्म हो गई थी, कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उसको छोड़ा गया, लेकिन अब क्या जवाब होगा? नवजोत, एक बार मैं चाहती हूँ कि जो मुद्दा है उसका सवाल एक बार अगर आप फिर से दोहरा दें क्योंकि मुझे ठीक से क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हैं। मसरत आलम को रिहा किया गया और आज वही मसरत आलम जब गिलानी वापस पहुंचे दिल्ली, वहां पर एक रैली का आयोजन किया गया, झंडे लहराए गए पाकिस्तान के, पाकिस्तान की फेवर में नारे लगाए गए, और ये वही मसरत आलम है जिसे पिछले महीने छोड़ा गया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था, और वही मसरत आलम पाकिस्तान की फेवर में नारे लगाता हुआ कश्मीर में दिख रहा है। देखिए नवजोत, ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि आज जेएनके में जो लोग काबिज करके बैठे हैं सत्ता में उनकी नाक के नीचे, और आज जो केंद्र सरकार बीजेपी के जो लोग बड़े बड़े वादे करते थे कि हम नहीं सहेंगे कोई भी अत्याचार, हम इस देश के अंदर आतंकवाद को कहीं आने नहीं देंगे, कोई उसकी जगह नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ आज जिस तरीके से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर तरीके से इस देश को, भारत देश को हर तरीके से जो है चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है भारत की खुद की जमीन पर, और केंद्र सरकार और जेएनके की पीडीपी की सरकार वो आंखें और कान बंद कर बैठी हुई है। क्या उनको शर्म नहीं आती है कि जिस देश की जनता ने उनको इस जगह पर पहुंचाया है, देश की जनता ने इतना विश्वास उन पर किया है कि हमारी सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा जो है मोदी सरकार के हाथ में दी है। आज मोदी जी चुप है, आज पीडीपी जो है पीडीपी अपनी राजनीति और अपनी रोटियां जो है गर्म करने में सेकने में लगी हुई है। आज इतनी खराब राजनीति लोगों ने कर दी है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत ये आज ये हो रहा है इस देश के अंदर कि पाकिस्तान के फेवर के नारे इस देश के अंदर लग रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं कि इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं है क्या? इस देश के अंदर क्या अब ये तत्व लोग जो है इस देश को चलाएंगे? आज आज मोदी सरकार और मोदी के सभी नुमाइंदे चुप क्यों हैं? अभी बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया जी क्या बोल रही हैं? सिर्फ बोल रहे हैं ये लोग, करके क्या दिखा रहे हैं? आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि आज डेवलपमेंट के एजेंडा के नाम पर एक मुखौटा बनाकर ये सरकार जीत कर आई थी, लेकिन जो इनका हिडन एजेंडा है वो यही है कि भारत को, देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाए और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ जाए। अमृता, नसीर अहमद, मैं अमृता लौटती हूँ आपके पास, शाजिया भी हमारे साथ है, नसीर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। नसीर, बड़ा सवाल ये है और ये सवाल उठेगा और इसका जवाब मिलना जरूरी है सिर्फ इतना कह देने से कि कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। किस जगह पर एग्जैक्ट रैली हुई, क्या कुछ हुआ वहां पर, किस तरह के नारे लगाए गए और क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन उस वक्त वहां पर? सरेआम झंडे लहराए जा रहे हैं, देख रहे हैं हम इन तस्वीरों में, तस्वीरें साफ बयां कर रही है, बोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी। देखिए नवजोत, पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो रैली है ये गिलानी के घर पे हुई, हैदरपुरा इलाका है श्रीनगर में, और ऐसा नहीं कि पुलिस और प्रशासन को इस चीज का पता नहीं था, बल्कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी गुट ने 4 दिन पहले ही यहाँ पे विज्ञापन भी दिए थे कि सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर वापस आ रहे हैं, तो आज यहाँ पे बड़ी रैली होगी और लोगों से अपील की गई थी वो वहां पे पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन और पुलिस को पता नहीं था, बल्कि वहां पे पुलिसकर्मी तैनात भी थे और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी ऐसे नारे दिए गए, पाकिस्तानी झंडे हाथ लिए गए और प्रो पाकिस्तान एंटी इंडिया स्लोगन देते थे, लेकिन पुलिस ये सब चीज देखती रह गई। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया नवजोत की, यहाँ पे कश्मीर में रोज जो कुछ सरकारी मुलाजिम है वो अगर छोटी सी छोटी यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं तनख्वाहों को लेके तो उनपे डंडे बरसाए जाते हैं, और इतना बड़ा प्रोटेस्टेशन हुआ और वो भी सरकार की नाक के नीचे, कोई भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से उस वक्त नहीं ली गई।
जाहिर सी बात है और ये बहुत हैरान करती है, छोटे से छोटा प्रदर्शन अगर सरकारी मुलाजिम अपनी मांगों को लेकर करते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। ये रैली हुई, पुलिस और प्रशासन को इल्म था इस बात का, उनके पास जानकारी थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की गिलानी गुट की रैली थी, 3-4 दिन पहले से इसकी जानकारी थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस तरीके से नारे लगाए गए और झंडे फहराए गए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहा है इस वक्त यहाँ पर मसरत आलम। गिलानी भी वहीं पर मौजूद है उसी मंच पर, और वहां पर मसरत आलम किस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान का झंडे लहराए जा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के पक्ष में ये नारेबाजी भी हो रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मसरत आलम खुलेआम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में न सिर्फ झंडे लहराए जा रहे हैं बल्कि नारेबाजी भी हो रही है। पाकिस्तान का क्या पैगाम, नसीर अहमद मौजूद है। नसीर, कोई खबर आ रही क्या, स्थानीय प्रशासन ने कोई केस रजिस्टर किया है मसरत आलम के खिलाफ? हालांकि आप कह रहे थे कि आगे कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई तो हो सकती है नवजोत, और जैसा मैंने कहा कि पहले भी इसी तरीके के माहौल, यानी जब पहले जैसे कि मसरत आलम को बंद कर दिया गया तो ऐसे ही प्रोफेशनल्स उसने लीड करे थे और ऐसे